गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के अपना न्यू ब्लॉग करते हैं शुरू। तो भाई जान, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि गाड़ी का शीशा जो लाहौर जो गए थे तो वो ख़राब हो चुका था। अब उसे सही करवाने के लिए चलते हैं और बंदे को लेके आते हैं। वो खोलेगा और उसे वो दे आएगा और वो सही करके जो है फिर वो हमें वापस लगा के दे जाएगा। तो अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 12 का। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा हो रहा है। हाय 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 हाय। चलें जी, ये खड़ी है हमारी लेक्सिस, ये वाली। तो इसके अंदर चाबी तो नहीं है, घर से चलते हैं लेके आते हैं। तो भाई जान, अब चाबी हमें गई है मिल, और चलते हैं अपनी लैक्सिस को करते हैं स्टार्ट फिर से एकदम। मौसम का भी वो बड़ा ही कमाल का। ये पौधे जो हैं मैंने 1 साल पहले लगाए थे, बिल्कुल इतने इतने से थे और अब बहुत बड़े हो चुके हैं। ये खड़ी है हमारी लैक्सिस V8। ऐसा बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठंडा ठंडा मौसम है और गर्म गर्म धूप है। पहिया रखे, अलग रखा क्या? किधर गया ना? तो भाई उनका पता किया है, वो अपने घर पे नहीं है। अब देखें कि घर चल के चलते हैं कि गाड़ी ले के आते हैं और उधरा ले के जाते हैं या उन्हें यहाँ लाते हैं, क्या सीन है देखते हैं। तो भाई साहब, एक ही वो हमारे गांव में मैकेनिक है जो अच्छा बेहतर जानता है। ये भाई साहब लेके जा रहे हैं कबूतर के लिए पिंजरे और कबूतर के शौक रखते हैं। तो भाई साहब, हमें लौट के आना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो चुका था और अब दोबारा पेट्रोल डलवाया है और चलते हैं अपने घर की तरफ। तो भाई साहब, गाड़ी जो है वो 5-7 दिन से ही खड़ी रही है यहाँ। तो हमारा ज़रा घर शुरू हुआ है इसीलिए इधर हम खड़ी करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है शीशा, ये है ख़राब। और अब इसे खोलेंगे और दे के आएँगे वहाँ सही करवाने के लिए। तो अभी हमारे स्कूल के जो बॉयज़ हैं इन्हें हुई है छुट्टी, और कुछ दिन पहले जो है वो बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। मतलब इधर ही इसी जगह पे जो है वो कह लो कि ट्राले के अंदर एक छोटा सा बच्चा जो है वो लगा है और उसकी मौत हो गई। सर सारा उसका जो है वो फट गया है, मतलब टूट के बिखर गया है ये कह सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे इतना गंदा एक्सीडेंट। और भाई अल्लाह सबको खैरी सलामती अपने घर पहुंचाए। और गाड़ी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हो गई है साफ। ये देख, थोड़ा बहुत रह गया। और ये देख, तो अभी चलते हैं। इसका ये वाला जो है मिरर, ये देख, ये वाला सारा टूट चुका है। हुआ क्या था कि यहाँ से एक्सल एक गाड़ी लगी है, मतलब उसका ये शीशा लगा या क्या हुआ, तो ये एक्सल जब लगा है तो ये ऑटोमेटिक था, इस तरह से फिर गया। और उसका मैनुअल था, उसका टूट गया। तो भाई वो वाला मिरर हमने अब लगवाने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी की स्पीड 80 km/h। हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज हमें रुकना नहीं पड़ा। ये जो गाड़ी है ये पहले वॉश हो चुकी है और अब ये हमारे वाली लग जाएगी। और क्यों पता नहीं वो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही।
हमने सोचा किसे सर्विस भी करवा लेते हैं क्योंकि आप बात चुके ही हैं। तो वो भाई आगे से बता रहे हैं किधर ठीक है। भाई साहब फिर से एक दफ़ा मौसम का नज़ारा यहाँ देखें और वहाँ देखें। यहाँ मौसम साफ है बिल्कुल और यहाँ चेक करें इतना ख़राब जिसकी कोई हद नहीं। चलो अल्लाह की रहमत के चार जो बूंदे हैं वो हमें मिल जाएंगी। भाई धीमी धीमी सी बारिश शुरू हो चुकी है और जो बारिश है वो बड़ी ही मज़े की लग रही है। गाड़ी अभी भी सर्विस करवाई है। तो भाई साहब बारिश हो चुकी थी जिसकी वजह से हमारा जो शीशे वाला काम है वो नहीं हुआ, तो अभी इसका कुछ जुगाड़ लगाते हैं, या तो शाम के टाइम आके करवाएंगे या फिर जो है सुबह। तो भाई साहब ये देखें अब सर्विस होने के बाद कैसी लग रही है। हाय 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 लग रही है ना कमाल की, बिकॉज हमारा ये काम नहीं हुआ जो सबसे ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं शाम को या सुबह इसे ये करवा के लाते हैं। जी साहब बारिश के बाद बहुत ही अच्छी धूप निकली है, तो मैं मैकेनिक के पास गया था, उसने कहा कि ये साइड मिरर जो है ये सुबह हम दे के आएंगे उधर। तो आज का अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ बाय।